माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। उज्ज्वला गैस योजना के हवाले से जो है कश्मीर ऑब्जर्वर के पास बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई हैं कि जिसमें लोगों का ये कहना है कि उनको जो है ये गैस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली है, क्योंकि ये गैस सर्विस 2016 के अंदर लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, और उसमें जो है फ्री जो इसको देना था एक सिलेंडर, एक गैस का चूल्हा, रेगुलेटर, तो बट जो लोगों को है पैसे देने पड़े। इसके हवाले से हमने पहले भी इंकशाफ किया है, उसमें हमने प्रोग्राम किया है, उसमें हमने आरटीआई से इन्फॉर्मेशन भी लाई, फिर क्रॉस चेकिंग भी की बहुत सारे इलाकों में। तो हमको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई यहाँ खान साहब इलाके से, और हमारी टीम रिसेंटली वहाँ पे गई और हमने लोगों से बात की, और लोगों का ये कहना था कि उनको जो है ये गैस कनेक्शन हासिल करने के लिए पैसे देने पड़े हैं गैस एजेंसीज़ को। किसी ने 2000 रुपये दिए, कुछ फैमिलीज़ ने 3000, कुछ फैमिलीज़ ने 4000 भी दिए हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी थी जिन्होंने कागजात भरे बट उनको जो है गैस कनेक्शन नहीं मिला, और उनके नाम का गैस कनेक्शन किसी और को दिया गया, कुछ और लोगों को दिया गया और उनसे भी पैसे लिए गए। मोदी गैस बिल्कुल फ्री, 100% फ्री छुए, क्या छुए अत कहीं पोस दिन यम फार्म बोर यम करो गो चकस यम लिस्टस मज कि ना यम नाव मे बसान यह आमुत नुन यह आमुत कन वन अगर तुम मज पोस पे वु सा ये नाव जेबा वाइफ ऑफ मोहम्मद यूसुफ खान बसंत वडर, अच्छा बेगम जान कस अब्दुल्ला गोरसी सं खानदार अम्स पोस दिए 2500 रुपये छा बोस, अच्छा रशीदा बानू ब्या वाइफ ऑफ अब्दुल मोहम्मद अयूब पठान अम 2000 रुपये भरम पोस पोसा चा पोस चन खानदार मोज चे मोज बेन चन 2500 कूत हेतो अख्तरा बानू सनाउल्ला खान कोसा अख्तरा बानू हाँ वोता ये कूत सा पूरा मारूम तय कितना भरना पड़ा आपको 3500 वुच 3500 रुपये किमन कत पे भरन तुम कत पे भरन ये गैस वाले वो ये गैस वाल कुछ तम दवान तुम दीजा पोस यह फ्री गैस आवा समझ यह फ्री गैस यह तुम फ्री मिलन वोल मगर दिथो ना। मीमा बस रोजान द्रागान मे लक लक बच्चे मे आई इथे पे दुख ऐसी भर नच फार्म पानस तोर मे फार्म तथा गई 3 वरी मे तोर गैस कहीं पत् आई बी दम वरी दमिस मे अगे कूट दुक अमिस तार मे बोर तमिस तोर ना तोर मे ना तोर तमिस मे हश मोल तमिस न्यूक फार्म तमिस तोर न कहीं पत् गई तमन दुक यह क्या दुक ये अम्स न्यूमुत यम हसा कड़मित गैस मटमें कड़म कह भरे फार्म गैस कहीं कहीं मिले न गैस मट ये गई 52 मजूर पेशी शाम अनो रोपे दर खेमो रिजिक अच्छे पे मल अन गैस मट वो अलग कह चलन पे मल अन गैस सह पे जाल अगर गैस आम तम क्या दब 8 सास अन तुंद गैस ना तोर नुन तो नीव प्राइवेट वे मल अब्दुल रशीदन गुरु दुकान हश मोज मे तमिस नाव तोर मे तोर फार मगर अस तोर सो जाम तमिस तरफ गैस तम नी मे भर फार्म तम दुन गैस फार्म भरा तो गैस ना कोई मे मोड़ मे भर गैस फार्म तो तम नी काकद वाकद दोपन ये आन पता कहीं मैं गुजारिश करूंगा, सरकार से अपील करूंगा, मैं देखिए हम ग्राउंड लेवल पे हैं, ग्राउंड जीरो पे मैं इस वक्त हूँ, मैं द्रगर गाँव में हूँ, यहाँ पे लोग आए हैं, ये कोई मैं स्टूडियो में प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ अंदर, कोई बैठ के अपना ही मैं टास मार रहा हूँ, कुछ मैं अपनी कोई कहानी सुना रहा हूँ, मैं कोई अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको ग्राउंड जीरो की बात सुना रहा हूँ। हुकूमत से मैं अपील करूँगा इस प्रोग्राम के जरिए से, खुदा के वास्ते उज्ज्वला गैस स्कीम का प्रोब कराइए। पहले भी हमने चाडरो में एक्सपोज किया, वहाँ नागाम में एक्सपोज किया, गोगजू पथरी में एक्सपोज किया, आपने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मैं खान साहब के इलाके में आया हूँ, आज 12 अक्टूबर है, आज मैं इस वक्त आया हूँ खान साहब के इलाके में, द्रगर गाँव में हूँ मैं। यहाँ पे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि इन्होंने गैस के लिए फॉर्म जमा किए, उनको नहीं मिला, और बहुत से केसेस ऐसे भी हैं इसमें जिन्होंने फॉर्म भी जमा किया, पैसे भरने पड़े उनको, फिर गैस मिला 3000, 3500, 2000, 1800। ये क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या ये गुड गवर्नेंस का मॉडल है? आपने कहा था कि 370 के बाद यहाँ तो सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के प्रोग्राम के तहत जितने भी एंटाइटलमेंट्स मिलते हैं लोगों को, सब ठीक हो जाएगा, मगर ग्राउंड जीरो पे वो नहीं हो रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए से मैं हुकूमत से, मैं उनसे अपील करूंगा कि उनको जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इस स्कीम का प्रोब करना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर में, ताकि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।